बटर डाल चुके हैं, बटर डल गया है, उत्पम भी बन रहा है हमारा। साउथ इंडियन तो हेल्दी है, बंदा ब्रेकफास्ट में खा सकता है। क्या बात है, लुक एट दिस। ओए होए होए। और फिर हम करेंगे इसको टेस्ट। भाई ऐसी कटिंग तो मैंने पहली बार देखी है। ये कौन सा बटर है? अमूल बटर। अरे मनमीत है, खुशी देखो इसकी क्या टपक रही है। तो लीजिए जनाब, आज हम आए हैं गुजरांवाला टाउन में, और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, जो नॉर्थ दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने बोला साउथ इंडियन खाने के लिए। और साउथ इंडियन कहाँ मिलना है? गुजरांवाला टाउन में एक ही एक छोटा सा कार्ट है, रेडी जिसे बोलते हैं, आप देख सकते हो, SR साउथ इंडियन, मसाला डोसा, उत्पम, वड़ा पाव, और सॉरी वड़ा सांभर और इडली सांभर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये है वो चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे, पॉकेट फ्रेंडली है, 30, 40, 50, 60 यही रेट है, उससे ऊपर नहीं है। पहले पता कर लेते कितने रुपये का, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, कितने रुपये का है, कैसा टेस्ट है, चलिए। तो ये देखो जनाब, अब लग रहा है हमारा बढ़िया सा खाएंगे साउथ इंडियन, जो कि गुजरांवाला टाउन में बहुत फेमस है। और भैया लगा दो भैया मसाला डोसा बढ़िया सा। तो ये देखो भाई, गया बैटर एकदम बढ़िया, सुपर क्रिस्पी, जैसे गाड़ी वाले भैया ने भी हमारे को बताया था अभी, जो जिनका हमने रिव्यू लिया था। अब एक साथ में लगा दो मसाला उत्पम, अपना वो अनियन उत्पम, दोनों चीज़ें खाएंगे, एक्चुअली तीनों चारों चीज़ें खाएंगे, एक इडली लेंगे, एक वड़ा लेंगे, और इनका सांभर टेस्ट करेंगे जिसके लिए काफ़ी फेमस है ये। ये देख भाई, ओ भाई, तो ये एक बार अगर मैं रेट की बात करूँ ना, तो ये देखो भाई, ये रहे रेट। प्लेन डोसा हाईएस्ट 100 रुपये है, मुझे लगा कि 60-70 भी होगा, बट हमने जो लिया है, हमने लिया है बटर मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा बनाना, ठीक है। तो ये ऑयल डल रहा है। तो भैया कितने साल से लगा रखा है आपने यहाँ पे, कितने साल से लगा रहे हो ये? 10 साल से। 10 साल हो गए। आपका क्या नाम है? अलग मलाई है। अलग मलाई, अलग मलाई, ये नाम है? नाम है तो कोई मलाई मलाई लग रहा है, बोल रहे हैं। क्या बात है भाई, साउथ इंडियन नाम है। तो वैसे वैसे आप कहाँ से हो? साउथ इंडियन से? क्या बात है, हाँ मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा। तो ट्राई करते हैं यार, देखते हैं भाई, साउथ इंडियन वाले भैया हैं हमारे। ये कौन सा बटर है? अमूल बटर। अरे मनमीत है, खुशी देखो इसकी क्या टपक रही है। तो ये साउथ इंडियन डोसा बन रहा है हमारा, मज़ेदार। तो बटर डाल चुके हैं, बटर डल गया है, उत्पम भी बन रहा है हमारा। तो देखो एक तरीके से, एक तरफ से पक चुका है। सिजलिंग देख रहे हो बटर की? मनमीत कितना खुश हो रहा है आप, मैं देख सकता हूँ उसकी खुशी। मनमीत पानी टपक रहा है, मुझे ज़रा वो नीचे कुछ रख ले, टिश्यू पेपर, बाल्टी लगाई हुई है। बात है, तो अभी इस पर आलू डलेगा, एकदम क्रिस्पी है। देखो लोग इंजॉय कर रहे हैं, एक भैया मसाला डोसा खा रहे हैं, बढ़िया। भैया कैसा टेस्ट है? बढ़िया। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? आ रहे पहले भी या पहली बार आए हो? तो मतलब बढ़िया चीज़ है, सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, क्या बात है। और वो दो भैया भी इंजॉय कर रहे हैं अपना वड़ा सांभर वड़ा, हम भी खा लेंगे, क्या हो गया, हम भी खाएंगे। ये देखो भाई, क्रिस्पी होना शुरू हो गया, नीचे से पक चुका अच्छे से डोसा, तो इसे कहते हैं बढ़िया सा साउथ इंडियन डोसा। देखो साइड से धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा ये, अभी आलू लगाएंगे, अभी आलू डालेंगे इस पर, तो फिर पता चलेगा भाई असली चीज़। ये देखिए भाई, आलू डल गया है मसालेदार। तो ये बन गया जी हमारा क्रिस्पी वाला, जो किसे कहते हैं ना, जिसका आउटर पार्ट इतना क्रिस्पी होगा कि मज़ा आ जाएगा आपको खा के। ओह एकदम क्रिस्पी हो चुका है ज़्यादा ही। मसाला डोसा हमारा रेडी है, और सांभर डलेगा इसमें, और फिर हम करेंगे इसको टेस्ट। भाई ऐसी कटिंग तो मैंने पहली बार देखी है, बहुत बढ़िया। अब ये उसमें जाएगा और फिर सांभर डालते हैं। तो अब इस पर सांभर डलेगा, ये देखो भाई क्या बात है, लुक एट दिस। ओए होए होए,
अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ और अपना उत्पम भी देख लेते हैं। उत्पम भी हमारा रेडी हो गया। जैसे ही उत्पम रेडी हो जाएगा साथ में टेस्टिंग करेंगे। अब एक वड़ा लेते हैं और इडली लेते हैं, फिर करते हैं साथ में एक साथ सबकी टेस्टिंग। ये उत्पम भी हो गया हमारा। ओए होए, काफ़ी बढ़िया है और हेल्दी। साउथ इंडियन तो यार हेल्दी बोलूँगा मैं, ज़्यादा तो नहीं होता वो, इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह तो नहीं होगा, ज़्यादा पीना नहीं होता। साउथ इंडियन तो हेल्दी है, बंदा ब्रेकफास्ट में खा सकता है, में ज़्यादा अच्छा। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात करूँ ना इस कार्ट की, तो ये सुबह 12:30 बजे आ जाते हैं और रात के कितने बजे तक हो आप? 10 बजे तक, और सातों दिन आते हैं। लेकिन जो मंथ का लास्ट वेडनेसडे होता है उस दिन छुट्टी होती है। ये रहे हमारे भैया, कभी भी यहाँ पर आओ तो इनको पहचान लेना। नाम मैं इनका भूल गया हूँ, क्या नाम था? अलग मलाई, समझ गए ना। तो हमारा इसकी भी टेस्टिंग करते साथ में। एक वड़ा और एक इडली दे दो, एक ही में लगा के दे दो। एक वड़ा और एक इडली भी ले लिया, अब करते हैं फिर सबकी टेस्टिंग। और ये देखो भाई चटनी, ये कौन सी चटनी है? टोमेटो वाली, और वो वाली वाइट वाली दिखाना एक बार। ये वाइट वाली चटनी है, थोड़ी सी वो डाल दो, ये सबसे फेवरेट मेरी ये है। ये रही इडली और एक वड़ा दे दो। अब सांभर डलेगा इसमें, वही गर्मा गर्म उबलता हुआ सांभर। टैग करो उस साउथ इंडियन दोस्त को जिसको साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, और स्पेशली बाहर रोड साइड का। ओ भाई ये कितने रुपये का आता है ये एक बड़ा और एक ऐसे ये कॉम्बो? 40 का प्लेट है। नहीं मतलब एक ये 40 का है, एक 20 का, ये भी 20 का, तो ये 40 रुपये हो गया। चलो रही अब टेस्टिंग करते हैं। तो भाई ज़रा खाने से पहले एक बार ज़रा ग्राहक का तो ले लें रिव्यू। तो सर आपका नाम क्या है? दिव्यांक। और आप यहीं आसपास ही रहते हो? अशोक विहार। तो क्या खास बात किया इसकी? मैंने बहुत सुना है गुजरात टाउन साउथ इंडियन वाला, साउथ इंडियन वाला फ्रेंडली है, प्लस टेस्ट एक है, टेस्ट वाकई बढ़िया है शुरू से, ऐसा ही है। क्या बात है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे, क्या लूँगा यार मैं? अगर ट्राई करना है शुरुआत के लिए तो गो फॉर इडली सांभर, ठीक है, और उसके आगे फिर अपने आप से कंटिन्यू कर देना। सारी आइटमें अच्छी हैं। और 10 में से कितनी रेटिंग दोगे टेस्ट को? यार देखो अगर फूड क्वालिटी और पॉकेट फ्रेंडली की तरफ जाए तो 10/10 है। क्या बात है, ठीक है। हाँ अगर जहाँ देखो, जाहिर सी बात है हर जगह की लोकेलिटी अपनी एक होती है, उससे ज़्यादा चलोगे तो 9 दे सकते हैं उस प्लेस पे, वरना 10 और 10 में 10 तो है ही। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर एक ऐसा है कि करें टेस्ट फिर, अब चलो टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये रहा हमारा सांभर। भाई खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टमाटर की चटनी है, वाइट वाली चटनी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ हर बार, और आज नहीं लूँगा क्योंकि 3 आइटम लिए, तीनों में ही चटनी भर के दी है। ये रहा हमारा वड़ा, एक बार तोड़ के दिखाता हूँ वड़ा। ये देखो ऑयल नहीं है ज़्यादा ऑयल नहीं है। दिस लुक्स एंड दिस इज़ हमारा इडली। क्या बात है। ये रही हमारी इडली एंड दिस वन इज हमारा मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा। क्रिस्पी है, बटर को मन्नी इग्नोर नहीं कर सकता। और ये रहा हमारा उत्पम, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में बताऊंगा कि कैसा है। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं वड़े से, टेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं ले सकता मैं। पहले एक ऐसे ही काफ़ी बढ़िया। और उसमें आइटम चेंज कर लिया तो नहीं करूंगा। सांभर इज टू गुड भाई, सीरियसली यार दिस इज बेटर देन सागर रत्ना सांभर, दिस इज बेटर देन सरवना भवन। टेस्ट है, अगर एक लोकल बंदे के हाथ में टेस्ट होता है, और भाई तमिलनाडु से है, कहाँ से बोला था? तमिलनाडु से। खट्टा खटास भी है, सब कुछ है। हम ये रहे भाई जवाब नहीं है। ये देखो भाई उत्पम, अगर मैं रेट की बात करूं तो मैं आपको रेट दिखा देता हूं। हमने बटर मसाला डोसा लिया था 70 रुपये का,
40 रुपए की ये इडली और उसका वड़े का कॉम्बो है, एंड अनियन उत्पम जो सा है, ये अनियन उत्पम कितने का है? 70 रुपए का। आप मेरे को बताओ कि दिल्ली में अगर मेरे को स्ट्रीट फूड खाना हो साउथ इंडियन कहाँ मिलता है बढ़िया? जंतर मंतर वाला मत बताना, वो हमने ट्राई किया हुआ, और कहाँ मिलता? और आप साउथ इंडियन में क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हो, उत्पम, डोसा, मसाला डोसा, या फिर इडली, या फिर वड़ा? जो कैलोरी कॉन्शियस वो इडली खाते हैं, डॉक्टर भी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं कि इडली खा सकते हैं, फैट नहीं होता कुछ इडली में, नहीं पर टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया है। अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैं इसको अलग 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 रेटिंग देनी हो तो क्या होगी? अलग अलग देनी है पर आइटम, तो मैं बड़े को दूंगा 8-10 में से, 7 इडली को, डोसे को दूंगा 9.5, उत्पम को दूंगा 9, और सांभर को, सांभर को दूंगा 10 में से 11, क्योंकि सांभर और ये वाइट चटनी ये दोनों बहुत बढ़िया है। गुजरावाला टाउन यहाँ पे आना ज़रूर ट्राई करना, नटखट के जस्ट सामने है, विनायक हॉस्पिटल के पास है, नटखट के जस्ट सामने है, कभी भी यहाँ पर आए इसको ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।